नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज। मध्य प्रदेश में इन दिनों हनुमान जी के नाम पर जमकर राजनीति की जा रही है। भाजपा नेता के जन्मदिन पर अशोका गार्डन थाना में कथित तौर पर हनुमान चालीसा के बाद अब कांग्रेस नेता अपने कार्यकर्ता का बर्थडे मनाने टीटी नगर थाने पहुंच गए। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो कार्यकर्ताओं ने बाहर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया और बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। बता दें कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने कार्यकर्ता बंटी जैन के जन्मदिन के मौके पर थाना परिसर में हनुमान चालीसा की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी, इससे नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। गौरतलब है कि नर्सिंग घोटाला मामले में कांग्रेस ने अशोका गार्डन थाने पर प्रदर्शन किया था। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता अशोका गार्डन थाना पहुंचे थे। इस दौरान थाना परिसर स्थित मंदिर में मंत्री विश्वास सारंग समर्थक भाजपा कार्यकर्ता सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, जिस पर कांग्रेस भड़क गई थी और टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे पाठ को नियमों के खिलाफ बताया। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जन्मदिन के मौके पर भी शहर के अलग अलग थानों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। इसी श्रृंखला में कांग्रेस नेता अपने कार्यकर्ता शनिवार को टीटी नगर थाना जन्मदिन मनाने थाने पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेस नेता वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। परसों के दिन 18 तारीख को हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण सेना जी ने परमिशन ली थी कि हम लोग नर्सिंग घोटाले के मामले में पद यात्रा करके और अशोक गार्डन थाने में FIR करेंगे नर्सिंग घोटाले की और तत्कालीन मंत्री सतारंगी। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो थाने में जाने नहीं दिया। वहां जीतू पटवारी जी से लेके उमंग संगार जी से लेके दिग्विजय सिंह लेके सभी विधायक और सब नेता थे, हजारों की तादाद में कांग्रेस जन थे। लेकिन वहां पता लगा कि सुंदरकांड हो रहा है और TI साहब ने परमिशन दी जो और कांग्रेस जनों को नेताओं को वहां जाने नहीं दिया और कहा कि FIR सड़क पे ही दे दीजिए। तो हमने कहा ये वहां जन्मदिन एक भारतीय जनता पार्टी के नरेश यादव जी पूर्व पार्षद का बन रहा है तो हमको भी अनुमति दो कि हम आज 20 तारीख को ये बंटी जैन है इनका जन्मदिन है, इनका जन्मदिन टीटी नगर थाने में यहाँ हनुमान जी की मंदिर भी है यहाँ मनाना चाहते हैं। देश दुनिया और अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए MP का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल अनोखी आवाज।